हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अनिल राणा कोटी में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वाई क्यों MLM कंपनियाँ ROI बेस, क्यों ROI बेस MLM कंपनियाँ फेल हो रही हैं या मंथली इनकम देने वाली कंपनी नहीं चल पा रही है। आज की डेट में देख पा रहे होंगे दोस्तों आप कि जो फिक्स इनकम दे रही थी या ROI बेस मंथली इनकम दे रही थी वो कंपनियां आज की डेट में मार्केट में सारी की सारी फेल हो चुकी है। दोस्तों फ्यूचर मेकर तो आपको याद ही होगा जिसने इंडियन MLM हिस्ट्री में एक चेंज लेके आया था, एक रेवोल्यूशन लेके आया था, एक क्रांति लेके आया था। जहाँ नेटवर्कर की हालत बहुत बुरी थी वही फ्यूचर मेकर ने उनको एक राहत की सांस दी, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आया ROI बेस प्लान, मंथली फिक्स इनकम प्लान। लोग बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के फ्यूचर मेकर में जुड़ने लगे। फ्यूचर मेकर बहुत सक्सेसफुली चल रहा था क्योंकि उसका मार्केट प्लान बहुत बेटर था। उसको देख के दोस्तों बहुत सी कंपनियां आई, चाहे वो बाइक बूट हो, चाहे एवरग्रीन फ्यूचर हो, टॉप राइडर हो या रेसनेट हो, बहुत सी कंपनियां उसको देख करके आई, उसकी कंपटीशन में आई, उन्होंने भी अपनी ROI बेस कंपनियां चलाई। लेकिन आज ये कंपनियां कहां है? फ्यूचर मेकर में जैसे ही प्रॉब्लम आई सारी कंपनियों के शटर बंद हो गए। इनमें से अधिकांश कंपनियों के जो मालिक हैं वो तो या जेल में बंद है या फरार है। क्यों ये कंपनियां फेल हो गई, क्यों ये कंपनियां चल नहीं पाई? क्या इन्होंने अपना प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया था या इन्होंने सिस्टम में ऐसा कोई तो सॉफ्टवेयर यूज़ किया था कि इनको पता नहीं था कि इनकी ये बुरी कंडीशन? मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, लोग तो परेशान है ही, ठीक है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो तो परेशान है ही, लेकिन इसके जो मालिक जो इसको चलाने वाले लोग थे वो भी परेशान है। अधिकांश कंपनियों की या तो MD फरार है या जेल में है। तो उसको क्या रीज़न है, देखते हैं एक कैलकुलेशन के साथ कि ROI बेस कंपनियां क्यों फेल हो रही है। इस कैलकुलेशन में दोस्तों कंप्लीट देखेंगे कि ROI बेस कंपनियां क्यों चल नहीं पाई। पूरी कैलकुलेशन से आपको समझ आ जाएगा कि ये कंपनियां कितनी लंबी चल सकती है, कहां तक चल सकती है। देखते रहिए दोस्तों इस वीडियो को पूरी लास्ट तक। दोस्तों आज हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से जो ROI बेस कंपनियां होती हैं, ROI बेस जो MLM कंपनियां होती हैं कितना लंबा चल पाएंगे। कैलकुलेशन के साथ प्रॉपर कैलकुलेशन हम देखते हैं। अधिकांश कंपनियां दोस्तों आपको दिखाई देता होगा ये बाइनरी कॉन्सेप्ट पे ही चलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गूगल पे जाके एक बाइनरी कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और बाइनरी MLM कैलकुलेटर निकालने के बाद कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना हमें दे सकता है। तो ये कैलकुलेटर मैंने खोल दिया है, आप गूगल में जाकर के इसको टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट मैंने रखा है 1000 रुपये। 1000 रुपये रखने के बाद ताकि एक कैलकुलेशन में आसानी हो, प्रोडक्ट कॉस्ट ये मान के चलते हैं कि जो बाइनरी कॉन्सेप्ट ROI बेस्ड प्लान होता है उनकी प्रोडक्ट मानते हैं कि ज़्यादा क्वालिटी होती नहीं, वो 10% ही अपना प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने मान के चला 100 रुपये का, अगर 1000 रुपये अगर ज्वाइनिंग अमाउंट है 100 रुपये का तो उनका प्रोडक्ट होगा ही। 5 लेवल तक इसको चेक करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें इसमें लेवल में कुछ पर्सन दिखें, कुछ मैन पावर दिखे। कैपिंग अमाउंट मान के चलते हैं कि 5000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है लेकिन हम मान के चल रहे हैं बहुत ज़्यादा 5000 है। एडमिन चार्ज और TDS हम 5% मान के चलें और उसके बाद ये मानने के बाद 5% जो बाइनरी अमाउंट देता है वो 150 रुपये मान के चले कि अगर पेयर मैच होता है, और पेयर टाइप जो करेंगे वो 2:1 या 1:2 को करके कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ही हमारे पास फिगर आ गई है कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो रहे हैं 5 लेवल में वो हो रहे हैं 63, और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दें तो वो हो रही है 6300। टोटल जो अर्निंग कंपनी की भी है, जो टोटल कंपनी में पैसा आया है वो आया है 63000, और डिस्ट्रीब्यूशन किया है कंपनी ने वो किया है 14700 रुपये, और एडमिन चार्ज में जो कंपनी को बचत हुई है TDS वगैरह काट के वो हुई है 13230 रुपये। टोटल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो है 43470 रुपये। ये कैलकुलेट है। यहाँ पर और अच्छी तरह इसको देखते हैं, टोटल 63 लोग, यानी जो टोटल डाउनलाइन है वो 62 लोगों की है। 30 पेयर बने, 4500 करीब गया, उसके बाद 28 पेयर बने, तो टोटल अमाउंट कंपनी दे रही है वो दे रही है 14700, और टोटल जो पेयर मैच हो रहे हैं 5 लेवल में हो रहे हैं 98। ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे, ये 98 हो रहे हैं, लेकिन ये मान के चलता है कि कंपनी इस पर भी क्या करती है, पैसा बचा लेती है। किस तरह से पैसा बचा लेती है कि वो
मिनिमम अमाउंट पे नहीं करती, वो 500,000 से कम पे नहीं करती, तो वो पैसा कुछ कंपनी के पास बच जाता है। तो इसको मैंने एक एक्सेल शीट में रखा है, इसको चेक कर लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस एक्सेल शीट में, उसी कैलकुलेशन से 5 लेवल का प्लान था, 63 हमारे मेंबर थे, 63,000 टोटल अमाउंट कंपनी के पास आया और उन सबको बांटने के बाद कंपनी ने 38,100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब 38,000 रुपये करीब प्रॉफिट कमाने के बाद, 63,000 में से बाकी बांटने के बाद कंपनी देती है अगर आपको आरओई बेस। अब आरओई बेस हमने यहाँ पे 20% में कैलकुलेशन की है, मंथली का अगर दे रही है तो 32 पेयर इसलिए मैच करने को बोला कि कंपनी ने एक अमाउंट रखा है कि भाई 500 या 1,000 से कम आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो उन लोगों का पैसा अंदर ही फंसा होगा। इसलिए ये मान के चलते हैं कि वो 20% में 32 पेयर को ही ये पैसा दे रहे हैं। अब मंथली दे रहे हैं ये 200 रुपये, तो 20% मान के चले, ये 20% आरओई आपको दे रही है मंथली 200 रुपये, तो 32 पेयर के हिसाब से हो रहा है 6,400 रुपये। और 6,400 रुपये अगर ये 32 पेयर को दे रहा है मंथली, यानी 5 महीने के बाद इसमें दिक्कत आएगी। अगर हम इसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा अलग करें, अब दोस्तों हम आ गए हैं कैलकुलेटर में, दोबारा आते हैं यहाँ पर, मैं कुछ ही चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ लेवल बढ़ा देते हैं। अभी ये 5 लेवल का प्लान था, यानी 5वें लेवल तक हमारे साथ 63 लोग थे। अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ, 6 हमने लेवल किया, इसको कैलकुलेट करूँ, कैलकुलेट किया, अब सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो गया। अब इस लेवल पे हमारे पास जो पहले आ रहे थे वो आ रहे थे 63, अब आ रहे हैं 127% हमारे साथ। तो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग लगभग 80,000 के आसपास हो गया है, तो यानी कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है बाइनरी कॉन्सेप्ट से। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे 6वें लेवल पे 1,000 रुपये की जॉइनिंग, 127 लोग हो रहे हैं, 1,27,000 कंपनी को टोटल अमाउंट मिला, जिसमें से कंपनी मान के चले 72,000 रुपये प्रॉफिट कर लेती है। और यहां पर भी 20% मान के चले, 20% अगर वो मंथली दे रहा है 200 रुपये के हिसाब से, तो उसका जो पेयर मैच हो रहे हैं 63, उन लोगों को देना है इसको 12,600 रुपये मंथली, यानी ये कंपनी 5 महीने चल सकती है, 6 महीने करीब ये चल सकती है। अगर हम परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा दें, तो इसी तरह दोस्तों क्या होता है, हर लेवल पे आपके परसेंट बढ़ते जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन कंपनी 5 महीने 6 महीने लगभग इसमें चलती ही रहेगी। अगर वो परसेंटेज कुछ ज़्यादा दे रही है, मान लो 30% दे रही है, तो 30% में कैलकुलेट करते हैं, यानी अब वो 3 महीने ही चल पाएगी, यानी पहले जो हाँ वो 6 महीने चल पा रही थी, अब वो 3.5-4 महीने ही चल पाएगी। तो यानी जितना कम कंपनी आपको आरओई दे रही हो, उतना ज़्यादा वो चल सकती है। लेकिन ये जब 5 महीने 4 महीने 6 महीने चल सकती है, ये कैलकुलेशन है, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या कंपनी के मालिक को नहीं पता कि 6 महीने चल पाएगी? तो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जब किसी कंपनी के पास ये 5 महीने का बैकअप है, 4 महीने का बैकअप है, कंप्लीट कैलकुलेशन है, फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? दोस्तों प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि कंपनी जिस तरह से सॉफ्टवेयर में अपना ये कैलकुलेट करती है, बिजनेस वैसा ही चलता नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन, 5वां लेवल जब था तो 63 लोग थे, जब 6वां लेवल आया तो 127 लोग हुए, 7वें लेवल पे 255 लोग हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि जस्ट डुप्लीकेट हो रहा है हर महीने। अगर मान के चले कि ये लोग अगर डुप्लीकेट होते जाए, कंपनी के पास ये सिस्टम से पैसा आता रहे, तो कंपनी लॉन्ग टर्म चल पाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। 80-20 का रूल चलता है, हर महीने लोग डुप्लीकेट होते नहीं है। और आरओई बेस्ड प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है दोस्तों, कि हम क्या करते हैं कि एक आईडी ना लगा के मल्टीपल आईडी लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 63 का अगर 27% होते तो ये कैलकुलेशन प्रॉपर वे से चलती, पर लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एक आदमी 15-15, 20-20, 25-25 आईडी लगा रहा है, और उससे ये प्रॉपर तरीके से ये जो पर्सन है ये डुप्लीकेट नहीं हो पा रहे, सिर्फ अमाउंट बढ़ रही है। जब वो अमाउंट बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि कंपनी को एक बोझ आ जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ बिजनेस बढ़ता है, लेकिन वो बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ रही है। और कैलकुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी को ये तो पे करना ही पड़ रहा है, 5 महीने जो है वो पे करना पड़ रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे बढ़ नहीं रहे। जब बढ़ नहीं रहे उस वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी की जो कैलकुलेशन थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो प्रॉपर तरीके से बेकार हो रही है। आज की डेट में दोस्तों मोस्ट ऑफ द कंपनी में हर किसी को पता है कि कंपनियां ज़्यादा लंबा नहीं चलेगी, फिर भी लोग एक रिस्क लेने की संभावना से उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ,
दोस्तों आजकल एक कंपनी बहुत ज़्यादा चल रही थी एक्वास्टेटिंग, जो कि आरओई बेस्ड कंपनी थी। ये आपको दुगना दे रही थी 180 दिन में, और आप देख पा रहे होंगे मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे है। ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे चल रही थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब दोस्तों ये एफएस ट्रेडिंग बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स एंड एसोसिएट ऑफ द एफएस ट्रेडिंग, द कंपनी हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर द 11 मंथ्स। यानी कंपनी को खुले में उतना टाइम नहीं हुआ जितने टाइम से ये स्ट्रगलिंग कर रही है, 11 महीने से स्ट्रगलिंग कर रही है। पहले ये आपको 400 गुना प्रॉफिट दे रही थी, ये 200 गुना प्रॉफिट दिया, अब जाके ये आपको सिर्फ 100% आपका दे रही है वापिस, और अब वो भी नहीं दे पा रही है। तो क्या रीजन है दोस्तों कि इतनी बड़ी कंपनियां आज बंद होने के तगार पे हैं? आरओबी जितनी कंपनियां चल रही थी, अभी मैं आपको थोड़ा सा एफएस ट्रेडिंग के बारे में और दिखाता हूँ, इसके सेमिनार वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे कितना चल रहा था। दोस्तों ये फेसबुक ग्रुप है इसका एफएस ट्रेडिंग का, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इसके कितने बड़े बड़े इवेंट और कहाँ कहाँ के लोग इससे जुड़ रहे हैं, कहाँ के लोग एफएस ट्रेडिंग को कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री के, जहाँ जहाँ कंट्रियों को हमने नाम तक नहीं सुना वो लोग एफएस ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम इंडिया की बात छोड़ देते हैं, इंडिया में तो बहुत सी चीज़ें स्कैम होती हैं, लेकिन ये इंडिया की बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कंपनियाँ चल पा रही हैं वो भी नहीं चल पा रही हैं आरओई बेस, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन में वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लान डुप्लीकेट नहीं हो पा रहा है। ये चमचमाती हुई गाड़ी यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन दिख रहा होगा, इतना बेहतरीन बिजनेस जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, देख करके ये बिजनेस कुछ ही दिन के बाद बंद हो जाएगा, और लोग लाखों रुपए इस पे लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, और जब हम लगाते हैं तो कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। तो मजे की बात है कि इस कंपनी के बारे में मुझे पहले ही पता था कि ये कंपनी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने किसी भी पर्सन को इसमें ज्वाइन नहीं करवाया, सिर्फ अपना ही पैसा लगाया था। उसके बाद भी देख पा रहे होंगे मेरे नीचे 91% ज्वाइन हो गए हैं, और टोटल $2,226 लगे हैं। यानी आज की डेट में लोगों को पता है कि कंपनी बंद होगी, नहीं चलेगी, फिर भी लोग इसमें पैसा लगाते हैं, और कुछ लोग कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते। दोस्तों अगर आप आरओई बेस प्लान को कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए ये आज नहीं तो कल बंद होने वाला है, आप इसमें लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते हैं। आपको अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको ऐसा प्लान चूज करना पड़ेगा जहां पर किसी को लॉस ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो। तो दोस्तों ये थी हकीकत, आज आपके सामने बहुत सी कंपनियों उदाहरण है जो आज की डेट में आरओई बेस कर रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, लोगों अपनी अपनी कंपनियां छोड़ के उसमें आ रहे थे, और आज कोई भी कंपनी चल नहीं रही है। देखा दोस्तों, आपने पूरी कैलकुलेशन निकालने के बाद अब आपको समझ आ गया क्यों ये कंपनियां फेल हुई, क्यों बाइकबोट, रेसनेट, एवरग्रीन फ्यूचर ये सारी कंपनियां फेल हुई। क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों ने मल्टीपल आइडिया लगाई थी, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया, और कैलकुलेशन से हमने देखा कि ये कंपनियां 4 या 5 महीने से ज़्यादा रन नहीं कर सकती। जहां पर ये कंपनियां डुप्लीकेट नहीं कर पाती हैं, वहीं पर ये कंपनियां दोस्तों फेल हो जाती हैं, चल नहीं पाती है। तो दोस्तों अगर आप आज भी किसी आरओई बेस्ड कंपनी कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों एक बार इस कैलकुलेशन को प्रॉपर देखिए, खुद कैलकुलेट कीजिए कि ये कंपनी कितने दिन चल सकती है। यानी 100% गारंटी की कंपनी बहुत लंबी नहीं चल पाएगी। आप पैसा कमा सकते हो, कुछ ही लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हर आदमी इसमें पैसा कमाने वाला नहीं। आज की डेट में कंपनियां जितना वादा करती है कि इतने महीने चलेगी, इतने महीने तक आपको रिटर्न देगी, दोस्तों उसकी आधी भी नहीं चल पाती है। तो दोस्तों आज की डेट में आपसे गुजारिश, अगर आप ऐसी कंपनियां कर रही हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहिए, और ऐसी कंपनी चूज कीजिए जो कंपनी में आप और अपनी टीम का पैसा ना लगे और ना फंसे। इसी आशा के साथ कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, इस कैलकुलेशन से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए अनिल के साथ। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।